प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आपके विद्यालय की संस्कृत शिक्षिका इस वीडियो के माध्यम से वर्ग पंचम के छात्रों को पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। आपके प्रथम पाठ के शीर्षक का नाम है ईश वंदनम, अर्थात ईश्वर की वंदना। इस पाठ में दो श्लोक दिए गए हैं, इसमें मैं सबसे पहले प्रथम श्लोक की जानकारी देना चाहती हूँ। और उस श्लोक में कुछ कठिन शब्द हैं, सबसे पहले मैं उसे और उसका अर्थ बताती हूँ। सबसे पहला शब्द है त्वमेव। त्वमेव में दो शब्दों का संयोग है, त्वम जोड़ एव। त्वम अर्थात तुम, एव अर्थात ही, यानी त्वम मीन्स तुम, एव मीन्स ही। त्वम एक सर्वनाम है, एव अव्ययवर्ड है, और दोनों के मिलने से त्वमेव बना, जिसका अर्थ हुआ तुम ही। दूसरा शब्द है बंधुश्च, इसमें भी दो शब्दों का संयोग है, बंधु जोड़ च। बंधु मतलब भाई, च और च एक अव्ययवर्ड है। अगला है द्रविणम, इसका अर्थ है धन संपत्ति। उसके बाद सखा, सखा मीन्स मित्र। विद्या, विद्या मीन्स ज्ञान। सर्वम, सर्वम मीन्स सब कुछ। मम, यह भी सर्वनाम है, इसका मूल शब्द अस्मद है, षष्ठी एक वचन में मम, मम मीन्स मेरा। देव, देव अर्थात हे देवों के देव। ये प्रथम श्लोक में इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इन शब्दों के द्वारा मैं ये बताने के बाद अब ये श्लोक पढ़कर आप सबों को बताना चाहती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वम् मम देव देव। त्वमेव यानी तुम ही हे ईश्वर, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरी धन संपत्ति हो, हे देवों के देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। इस प्रकार आप सभी श्लोक तथा अर्थ का अभ्यास करेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे भी, और इस श्लोक को हम लोग लयबद्ध तरीके से भी याद करके प्रार्थना के रूप में गा सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वम् मम देव देव। इस प्रकार आप लोग भी पढ़ेंगे, गाएंगे, अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ध्यान से सुनकर सभी शब्दार्थों को समझकर श्लोक पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।